नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े की सब्जी। पकौड़े खाना तो सभी को अच्छा लगता है और पकौड़े लोग हर मौसम में बनाकर खाते भी हैं। प्याज के पकौड़े को देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, तो आज हम प्याज के पकौड़े की सब्जी बनाएंगे। अगर आपने प्याज के पकौड़े की सब्जी नहीं बनाया होगा तो एक बार बनाकर इसे जरूर खाएं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्याज के पकौड़े की सब्जी बनाना। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 150 ग्राम बेसन, 1 कप हरी मटर, 2 कटा हुआ टमाटर। यहाँ पर हमने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है सब्जी बनाने के लिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक, 4 से 5 दाना लहसुन, 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। टमाटर को इस जार में डालेंगे। अब इसी में हम लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को डालेंगे। टमाटर के पेस्ट में हम 2 ही हरी मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च हम पकौड़े में डालेंगे। तो टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है, अब इस कटोरी में निकाल लेते हैं। ये पेस्ट कटोरी में निकाल लिया है, अब हम पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए पकौड़े का मिश्रण तैयार करेंगे। अब प्याज में हम बेसन को डालेंगे, अजवाइन, जीरा, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च बारीक काट लेते हैं। अब प्याज में बेसन और मसाले को अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये प्याज में बेसन और मसाले को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा जैसा डो बनाएंगे, लेकिन हम आटे से थोड़ा नरम डो बनाएंगे। ये पकौड़े बनाने के लिए हमने थोड़ा नरम डो तैयार कर लिया है, अब इसका हम पकौड़े बनाएंगे। अब हम पकौड़े को तलेंगे। पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई में तेल ले लिया है, अब गैस को ऑन करेंगे और तेल को हम मीडियम में गर्म करेंगे। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, पकौड़े तलेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके डो को तेल में डालते जाएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज पकौड़े बना सकते हैं। अब पकौड़े को हम धीरे धीरे पलट देंगे और इसी तरह इसे बराबर चलाते रहेंगे, जिससे पकौड़े हमारे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये पकौड़े हमारे तल गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। ये पकौड़े को हमने तल कर निकाल लिया है, अब बाकी के बचे हुए डो का भी पकौड़े बना लेते हैं। इसे भी पलट कर बराबर चलाते रहेंगे। पकौड़े को हम मीडियम आंच पर तलेंगे, जिससे पकौड़े हमारे अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। अगर हम ज्यादा तेज आंच पर पकौड़े को फ्राई करेंगे तो ऊपर से पकौड़े पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये वाले पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं।
अब हम सब्जी को बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई ले लिया है, गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल और तेल को हल्का गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्के सुनहरे कलर में भुनेंगे। प्याज को हम बराबर चलाकर भुनेंगे। ये प्याज हमारा हल्के सुनहरे कलर में भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च को प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब भुने हुए प्याज में टमाटर का पेस्ट मिला लेते हैं। टमाटर का पेस्ट प्याज में मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। ये पेस्ट को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब इसको हम तब तक भुनेंगे जब तक हमारे मसाले पककर सूखे न हो जाएं। गैस को मीडियम में रखेंगे और मसाले को इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह मसालेदार सब्जी की खासियत उसके मसाले से होती है, क्योंकि हम मसाले को जितनी अच्छी तरीके से भुनेंगे उतनी अच्छी हमारी सब्जी बनेगी। अगर हम मसाले को बिना चलाए भुनेंगे तो मसाले नीचे से जल जाएंगे, ऊपर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हम इसे चलाना नहीं छोड़ेंगे। ये मसाले हमारे आधे से ज्यादा पक चुके हैं। अब इसमें हम मटर को मिला देते हैं और इसमें हम नमक को डाल देते हैं। अब मटर और नमक को मसाले मिलाकर एक मिनट तक और भुनेंगे, जिससे मसाले हमारे पूरी तरह से पक जाएं और जो है मसाले पककर सूखे हो जाएं। ये मसाले और मटर को हमने अच्छे से पका लिया है। ये मसाले हमारे एकदम सूखे हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने मसाले को अच्छी तरीके से भूनकर सूखा कर लिया है। मसाले के साथ साथ हमारे मटर भी पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम इसमें 3 कप डालेंगे, क्योंकि बेसन के पकौड़े जो है पानी सोखते हैं। अभी हमारी ग्रेवी आपको पतली दिख रही है, लेकिन हम जब इसमें पकौड़े डालकर पकाएंगे तो पकौड़े जो है ग्रेवी को सोख लेगा और ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। मसाले को हमने अच्छे से पानी मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे पकौड़े। पकौड़े को हम थोड़ा सा चला देते हैं। अब इसको हम ढककर मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। ये 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर हम सब्जी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं पकौड़े जो है ग्रेवी को अच्छे से सोख लिया है और ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हम धनिया पत्ती मिला देते हैं। अभी सब्जी हमारी थोड़ी गर्म है, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी, तब ये खाने में और स्वादिष्ट लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब सब्जी को हम इस प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। अब पकौड़े को हम इस चम्मच से फोड़ कर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे पकौड़े खिल गए हैं और ये ग्रेवी को अच्छी तरीके से सोख लिया है। देखिए, हम आपको अभी दूसरा वाला फोड़ कर दिखाते हैं। ये दूसरा वाला पकौड़ा भी हमारा अच्छे से खिल गया है और ग्रेवी को अच्छी तरीके से सोख लिया है। इसी तरीके से हमारे सारे पकौड़े अच्छे से खिल गए हैं और ग्रेवी को सोख लिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर रात के खाने पर दोपहर के खाने पर बना सकते हैं। इस तरह के पकौड़े की सब्जी अपने घर पर बनाकर आप रोटी, चावल, पराठे के साथ खा सकते हैं। इस तरह के मसालेदार सब्जी सर्दियों के मौसम में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं।
और इस तरह के पकौड़े की सब्जी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। पकौड़े तो लोग सादे खाते हैं, चटनी के साथ भी खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन आपने इस तरह के पकौड़े की सब्जी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बनाकर खाएं। हमें यकीन है अगर आप इस तरीके से पकौड़े की सब्जी बनाकर खाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।